हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल डियर डिफिसर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जिनके बारे में हर विद्यार्थी को जानना बहुत जरूरी है। आज हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, गांगी डॉल्फिन जो गंगा नदी में हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव पाया जाता है उसके बारे में, राष्ट्रीय खेल हॉकी और राष्ट्रीय पशु बाघ। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे मुद्रा के प्रतीक चिन्ह है रे के बारे में, और राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्र चिन्ह है सत्यमेव जयते जो अशोक चक्र। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्र गान जनगण मन, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे राष्ट्रीय फल आम के बारे में। तो आप हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और नए नए अपडेट के लिए साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जो हर विद्यार्थी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हमारा मुद्रा चिन्ह है रे के बारे में बात करेंगे। ये हमारा भारत का जो मुद्रा है रुपया, उसका प्रतीक चिन्ह है। जिस प्रकार विश्व के विभिन्न देशों की जो मुद्राएं हैं उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं, उसी प्रकार भारत की जो मुद्रा है रुपया, उसका प्रतीक चिन्ह है जो आपको चित्र में दिख रहा है रे आकृति का, ये भारत का मुद्रा चिन्ह है रुपये का प्रतीक चिन्ह है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है। रुपये का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के र और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना है। र जिसमें एक क्षितिज रेखा भी बनी हुई है, और ये गणित के बराबर के जो चिन्ह है उसको मिलाकर बनाया गया है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया है। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र श्री डी उदय कुमार ने बनाया है, जो कि एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से हजारों प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुए थे, उनमें से उदय कुमार के द्वारा बनाया गया ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको भारत की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह है स्वीकार कर लिया गया है। 15 जुलाई 2010 से ये प्रचलन में है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रतीक के बारे में। हमारा अगला जो प्रतीक है ये चित्र में दिख रहा है राष्ट्र ध्वज तिरंगा झंडा। इसमें तीन रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में एक गोल अशोक चक्र होता है। अगर इस ध्वज की बात करें, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, और सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। इस चक्र का प्रारूप सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं, और इस राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन की बात करें तो इसकी डिजाइन श्री पिंगली वेंकैया के जी के द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की गई, और भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इससे पहले विभिन्न प्रकार के ध्वज हमारे देश में बने थे। शुरुआत में चरखे वाला तीन रंग का तिरंगा झंडा हमारे देश में प्रचलित था, लेकिन बाद में श्री पिंगली वेंकैया के द्वारा जो बनाया गया तिरंगे ध्वज का प्रारूप है उसको स्वीकार किया गया था। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रतीक की। हमारा अगला जो प्रतीक है भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा के द्वारा इसे जो जनगण मन लिखा गया था उसको भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गान लिखा गया है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। संपूर्ण गीत की बात करें तो इसको गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इसका लघु संस्करण, कभी कभी इसका लघु संस्करण भी प्रचलन में रहता है। पहली, जिसमें पहली और अंतिम पंक्ति को ही गाया जाता है, और इस लघु संस्करण को गाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगता है, और संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। इस प्रकार हमारा राष्ट्रगान जनगण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था।
अब बात करते हैं हम हमारा अगला राष्ट्र गीत, हमारा राष्ट्र प्रतीक है राष्ट्र गीत वंदे मातरम। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद है, लेकिन हम वर्तमान में केवल शुरुआत के एक छंद को ही गाते हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में 1882 में लिखा गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से ये गीत हमारे देश में लिया गया है। इस गीत को उन्होंने चिनसुरा में लिखा था अपने उपन्यास आनंद मठ में। इसे पहली बार सन 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इस गीत को मान्यता प्रदान की गई थी और यह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और पहली बार कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में वहां पर पहली बार गाया गया था। अब बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि आपको चित्र में दिख रहा है अशोक चिन्ह है, भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह है। भारत सरकार के विभिन्न प्रकार की जो दस्तावेज है, गवर्नमेंट के जो जितने भी कार्य हैं, उस सभी में ये चिन्ह में देखने को मिलता है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के द्वारा जो सारनाथ में स्तंभ बनाया गया था उससे लिया गया है। इस स्तंभ में बात करें तो 4 सिंह अब एक दूसरे की ओर पीठ करके चारों दिशाओं की ओर मुंह करके खड़े हैं और इसके तल में एक चक्र बना हुआ जिसमें 24 तीलियां हैं, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे में भी इसका अंकन किया गया है। और इसके नीचे वाले भाग में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका मतलब होता है हमेशा सत्य की विजय होती है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था और अशोक स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका मतलब होता है हमेशा सत्य की जय होती है। और ये जो सत्यमेव जयते है देवनागरी लिपि में लिखा गया, जो कि एक ग्रंथ मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्वेश्चन हमारी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।